हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जब से रियल क्रिकेट गो रिलीज़ हुआ तब से कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कि भाई उसके लिए एक बोलिंग ट्रिक ला कर दे दो। तो बस ये वीडियो उसी के लिए दोस्तों, एक बोलिंग ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूँ रियल क्रिकेट गो में, जिससे आप बहुत ही आसानी से विकेट्स ले पाओगे। तो ये इस ट्रिक के बारे में सारी डिटेल मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से शेयर किया हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों फील्डिंग प्लेसमेंट। तो फील्डिंग प्लेसमेंट आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से मैंने फील्डिंग प्लेसमेंट लगाया हुआ। ये फील्डिंग प्लेसमेंट जो है लेफ्ट हैंडेड के लिए है, राइट हैंडेड के लिए भी इसी के अकॉर्डिंग फील्डिंग प्लेसमेंट लगेगी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फील्डिंग आपको इसी तरीके से रखना है। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, आप राइट हैंडेड बैट्समैन को अपने राइट साइड से गेंद करेंगे और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अपने लेफ्ट साइड से गेंद करेंगे। इसके बाद में आपको बॉल पिच क्या करवाना है दोस्तों, बॉल आपको जो बैट्समैन का जो पैर होता है उससे थोड़ा पहले आपको बॉल पिच करवाना है, और जो लाइन रखना है वो लेग स्टाम्प और लेग स्टाम्प के बाहर रखना है। मिडल स्टाम्प और ऑफ स्टाम्प की लाइन बिल्कुल भी मत रखना। उसके बाद में दोस्तों स्पीड की बात कर लेते हैं, तो स्पीड आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। और अब बात आती है दोस्तों बॉल कौन सा यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको स्पिनर के लिए टॉप स्पिन रखना है, और जो फास्ट बॉलर रहेगा उसके लिए आपको स्ट्रेट बॉल का यूज़ करना है। और देखिए यहाँ जैसे हमें एक विकेट मिल गया, और हमारे सामने जो दोस्तों राइट हैंड बैट्समैन जैसे हमारे राइट साइड से गेंद करेंगे। अब यहाँ पे फास्ट बॉलर इसलिए हम हमारे स्ट्रेट बॉल का यूज़ करेंगे। फिर से बॉल को पिच करवाएंगे पैरों के पास में, बैट्समैन के लाइन रखेंगे लेग स्टाम्प और लेग स्टाम्प के बाहर में। और ये देखिए हमें फिर से फील्डिंग प्लेसमेंट की वजह से जो है और एक विकेट मिल गया। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको इस ट्रिक में ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दोस्तों ये बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल लेग स्टाम्प और लेग स्टाम्प के बाहर ही होना चाहिए। उसके बाद में स्पिनर के साथ आप टॉप स्पिन की गेंद यूज़ करोगे और फास्ट बॉलर के साथ स्ट्रेट बॉल ही यूज़ करोगे। इसके बाद में अगर आप दोस्तों स्पिनर का यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुलदीप यादव ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो एज अ स्पिनर यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं और उन्हें ज़्यादा विकेट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ अगर आप स्पिनर का यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा विकेट्स मिलेंगे। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि आपको जो है राइट हैंडेड बैट्समैन को राइट साइड से गेंद करना है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को लेफ्ट साइड से गेंद करना है। स्पीड आप अपने हिसाब से रख सकते हो, और चाहे तो आप उसको वेरी भी कर सकते हो बैट्समैन को कन्फ्यूज करने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फील्डिंग प्लेसमेंट की वजह से एक्चुअली डायरेक्ट जो है कैचेस जो फील्डर्स के पास में जा रहे हैं और हमें विकेट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो फील्डिंग प्लेसमेंट वैसे ही लगाइए जैसे मैंने लगाया। तो यहाँ आप देख सकते हो मुझे सारे विकेट्स मिल गए। तो आप भी इसी तरीके से इस ट्रिक का यूज़ करके विकेट्स ले सकते हो। बहुत ही सिंपल सी ये ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में से पूछ सकते हैं। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।